वंस अगेन गुड इवनिंग गाइस। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और जागरूकता से परिपूर्ण है। तो आज का शीर्षक आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल जो है हमारा दैट इज डिवॉर्मिंग, यानी कि पेट के कीड़े कैसे आ जाते हैं, पेट के कीड़े कैसे दूर किए जाते हैं, पेट के कीड़े कैसे हटेंगे, पेट के कीड़े बनते क्यों हैं, आज हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसटीके। बेसिकली पेट में जब कीड़े डॉग के होते हैं तो वो तरह तरह की एक्टिविटी करता है। मैं कुछ 2-4-5 बातें बताने वाला हूँ, जिन बातों को जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे भी डॉग के पेट में कीड़े हो सकते हैं, हाँ हमारे भी किटन्स या कैट के पेट में कीड़े हो सकते हैं, या हमारे छोटे छोटे पपीज के भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो पहला कारण, जब हम और आप हमेशा अपने घरों से बाहर जाते हैं और जब बाहर जाने के बाद घर वापस आते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे दरवाजे पे कौन मिलता है, हमें मिलते हैं हमारे पेट्स, और वो हमारा वेलकम करते हैं। मम्मी बाद में आती है, पापा बाद में आते हैं, भाई बाद में, बहन बाद में, सबसे पहले हमारे नन्हे मुन्ने पेट्स दौड़ करके हमारे पास आते हैं। और हम बिना ये सोचे समझे कि कोविड पेंडेमिक के बाद तमाम तरीके के इन्फेक्शन बाहर हैं, बिना हैंड वॉश किए, बिना हाथों को धुले, बिना किसी भी तरह का प्रिकॉशन किए, बिना सैनिटाइज किए, हम अपने डॉग्स को छूने लगते हैं। और जब हम उन्हें प्यार कर रहे होते हैं, प्यार करते वक्त, करते 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 वो 3-4-5-6-7 बार हमारे हाथ को लिक कर चुके होते हैं, यानी कि चाट चुके होते हैं, क्योंकि वे तरीका है उनका प्यार करने का, तो वो प्यार करेंगे। तो इससे हम उन्हें नहीं रोक सकते, हम रोक सकते हैं अपनी डेली रूटीन को सुधार के, अपने आप को घर में इंटर करने से पहले हैंड वॉश करके, या घर में जाते ही कितना भी वो नीचे कूद रहे हो उनको कूदने देना है और पहले बेसिंग में अपने हाथ साबुन से धो लेना है। तो इस एक प्रक्रिया से तो हम काफी हद तक उनको किसी भी तरह के इन्फेक्शन देने से और उनसे किसी तरह का इन्फेक्शन खुद लेने से बचाव कर सकते हैं। तो पहला कारण है, जब वो हमारे हाथों को चाटते हैं, गंदे हाथों को चाटते हैं, तो बैक्टीरिया, जर्म्स, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु वो अपने शरीर में अडेप्ट कर चुके होते हैं। दूसरा जो सबसे मेन कारण होता है, जब भी हम उन्हें किसी भी बोल में खाना देते हैं, सपोज करिए हमने उनको इस बोल में खाना दिया, तो खाते 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 खाते, चाहे डॉग फूड खा रहे हो, चाहे वो रोटी खा रहे हो, चाहे चिकन ग्रेवी खा रहे हो, चाहे चिकन ही क्यों ना खा रहे हो, अक्सर डॉग फूड, रोटी या चिकन के कुछ कण उनके जीभ से लप 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 करके खाने की हैबिट के कारण, क्योंकि कुदरत ने उनको ऐसा ही बनाया है, 2-4-10 दाने जमीन में गिर जाते हैं, 2-4-5 टुकड़े जमीन में गिर जाते हैं, और फिर वो जमीन का भी खाना खा लेते हैं, और शायद वो जमीन फिनाइल से पोछी हुई नहीं होती, या उसी फ्लोर पे हम जूते चप्पल पहनकर चले होते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया या कीटाणु जाने का पेट में एक आम रास्ता है। तीसरा और प्रमुख कारण, जब आपके डॉग के पेट में वॉर्म्स बनते हैं या फिर वॉर्म्स होने होते हैं या वॉर्म्स ऑलरेडी होते हैं, तो उनको वो उत्तेजित करते हैं, काइंड ऑफ वो प्रिपेयर करते हैं कि वो मिट्टी खाए। तो आपने देखा होगा आपके पपीज, आपके डॉग्स, आपके कैट्स कभी कभी गमलों के अंदर जाके मिट्टी खुरुदते हैं और गमले के अंदर से वो मिट्टी खाते हैं, पौधे की मिट्टी खाते हैं, पुरवा, जो चाय पीने वाला पुरवा होता है, अगर आपने पी के रख दिया कहीं, तो वो पुरवे को तोड़ तोड़ के खाते हैं, दीवाल को खुरच खुरच कर, वो स्क्रैच कर कर दीवाल की मिट्टी और सीमेंट खाना शुरू करते हैं, जमीन को लिक करते हैं। जब आप वॉक पे लेकर के जा रहे होते हैं, उस दौरान भी कई डॉग्स ऐसे देखे गए हैं कि वो गंदी चीजों को मुंह में डाल लेते हैं, कभी किसी ईंट, कंकड़, पत्थर को डाल लिया, कभी किसी लकड़ी को उठा लिया, कभी कूड़े पे गए तो कुछ गंदी चीज मुंह में ले लिया। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो सावधान, आपके डॉग के पेट में कीड़े हैं। चौथा पॉइंट, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे और आपके डॉग या कैट के पेट में कीड़े हैं या उनको डिवॉर्मिंग की जरूरत है। जिन पपीज के पेट में कीड़े होते हैं, जिन डॉग्स के भी पेट में कीड़े होते हैं, यूजुअली वो 2-3-4 ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके कारण ये पहचानना काफी आसान हो जाता है कि उस डॉग के पेट में कीड़े हैं। पहला, आपके डॉग के आंखों से लगातार आंसू, पानी और कीचड़ का आना, अगर ऐसा है तो आपके डॉग के पेट में कीड़े हो सकते हैं। दूसरा, लगातार उनके मुंह से
अजीब अजीब सी बदबू आना जब वो आपके पास किस करने आते हैं, आपको प्यार करने आते हैं, बैड ब्रेथ, गंदी सांसों का होना भी एक तरीके से वॉर्म्स के होने के कारण हो सकता है। तीसरा, एक पपी जब बार बार राउंड 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 अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता है और हम ताली बजा के बहुत खुश हो रहे होते हैं, तो असल में वो खेल नहीं रहा होता, उसके पेट में इचिंग हो रही होती है, कीड़े पेट में उधम चौकड़ी कर रहे होते हैं, तो उसको प्रॉब्लम होती है। चौथा, क्या आपका डॉग अपनी ही पॉटी खा जाता है? बहुत गंदी बात है और बहुत गंदा लगता है। क्या आपका डॉग अपनी सूसू लिक कर लेता है, अपनी पी पी जाता है? आई नो इट्स याक, बट वॉट कैन वी डू, वी कैन डिवॉर्म हिम। अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसके पेट में कीड़े हैं। तो अगर इन सारी समस्याओं से आप परेशान हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे डिवॉर्मिंग करें, बार बार डॉक्टर के पास कैसे जाएं, बार बार हम कैसे अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो क्यों है घबराना, सीधे सौरभ भैया के पास है आना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ये जान ले कि हम हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ रुचिपूर्ण, इन्फॉर्मेटिव और सुचारू रूप से एक चैप्टर वाइज हम ये चैनल को चलाते हैं। कभी न्यू पपीज, कभी न्यू किटन्स, कभी जानकारी, कभी अवेयरनेस, कभी सवाल सैटरडे। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कभी कभी मेरे लाइव शोज होते हैं। तो कम टू द पॉइंट, डिवॉर्मिंग का मसला कैसे हल होगा? तो सबसे पहली चीज, डिवॉर्मिंग, डी वॉर्मिंग, वॉर्म्स मीन्स होते हैं कीड़े, डी वॉर्मिंग मतलब उन कीड़ों को मारना। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने बचपन में, आपके माता पिता ने भी आपको डिवॉर्मिंग किया होगा, आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछिएगा, क्या उन्होंने आपको आपके बचपन में निमोसिड, बेंडी, एल्बेंडाजोल जैसे सिरप दिया था या नहीं दिया था? वो जरूर कहेंगे हाँ बेटा, मैंने आपको पेट के कीड़े की दवा दी थी। और ये उतना ही आवश्यक है जितना कि पोलियो ड्रॉप्स, जितना कि 7-in-1 इंजेक्शन, जितना कि रेबीज। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं किसी भी पेट ओनर को जानने। तो मार्केट में आपको बहुत सारे मेडिसिन मिल जाते हैं, ड्रॉन्टल प्लस, वेंटाबुल, बेंडी स्टार, निमोसिड, बहुत सारे मेडिसिन। तो राइट नाउ वी हैव टू मेडिसिन, अभी हमारे पास दो ऐसी दवाएं हैं जिनको हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन दवाओं का उपयोग कैसे करना है ये जान लें, और इनकी कीमत क्या क्या है हम ये बता दें। तो कीमत की बात करें तो ये मैनकाइंड ब्रांड का बेंडिस्टर पप नाम से दवा आती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है डिवॉर्मिंग की, और ये 20 ml की है ये सिरप, और इसकी कीमत है ₹132। तो अब हम दवाओं के विषय में बताने वाले हैं। कोई भी शख्स मेरा सिर्फ वीडियो देख के मार्केट से जाके दवा नहीं लेगा, अपने नियरेस्ट वेटनेरियन, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवा देनी है, या फिर हमारे यहाँ पे कॉल करके कंसल्ट जरूर कर ले। विदाउट कंसल्टिंग अपने से डॉक्टर बनने की गलती ना करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी और सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए है, किसी को भी भ्रमित करने के लिए नहीं है। सो कम टू द पॉइंट, एज वी नो दैट देर आर 4 types ऑफ वॉर्म्स इन डॉग्स। फर्स्ट वन इज टेप वॉर्म्स, सेकेंड वन इज हुक वॉर्म्स, थर्ड वन इज राउंड वॉर्म्स, एंड फोर्थ वन इज वेप वॉर्म्स। तो ये 4 तरीके के कीड़े होते हैं जो एक डॉग के, एक कैट के, या किसी भी कैनाइन डिवीजन के जीव के अंदर होते हैं, शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली, सब में, ठीक है। राउंड वॉर्म्स आपने देखा होगा कि जब आपके डॉग कभी कभी पॉटी करता है तो चाउमीन की तरह पॉटी में से निकलता है, सो दैट इज कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। टेप वॉर्म्स क्या होता है कि वो छोटे छोटे टेप की तरह होते हैं, जैसे कि किसी चीज में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो गेहूं के बराबर जब कीड़े निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेप वॉर्म्स। तो इसी तरीके से अलग अलग 4 कीड़े हैं जो कि पेट में होते हैं, और इनके भारी से भारी नुकसान है। कुछ कुछ वॉर्म्स की वजह से स्किन डिजीजेस होते हैं, कुछ पेट के कीड़ों की वजह से डॉग खाना ही नहीं। हमारे हाथ में एक ही छोटा सा क्यूट सा, देखिए कितना प्यारा सा पोमरेनियन का पपी है। तो अगर हमको इसको बॉडी वेट करना है, और ये हमारी वेइंग मशीन है, और अगर हम इसे इस वेइंग मशीन पे रखेंगे तो इसका बॉडी वेट लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पपी ही बहुत हल्का है। देखिए वेइंग मशीन स्टार्ट ही नहीं हुआ जबकि ये पपी प्रॉपर बैठा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, हम इस पपी को ऐसे उतारेंगे धीरे से, इधर आ जाओ कैमरामैन भाई सब सामने आ जाएंगे, और जब आप सामने आएंगे तो सामने आने के बाद हम पहले अपना बॉडी वेट करेंगे, सीधे देखेंगे, और सीधे देखने के बाद हम देखेंगे कि जो मेरा एक्चुअल बॉडी वेट आ रहा है वो आ रहा है 64 kg 25 g, 64.25 g है। और फिर हम इस पपी को ऐसे हाथ में उठा के और वापस से खड़े होंगे इस मशीन के ऊपर, नीचे दिखाइएगा इस तरीके से। तो अब इस पपी, अब ये आ गया 65 kg 75 g, यानी कि 65 75 में से 64 25 जब माइनस करेंगे तो लगभग 1.5 kg आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये पपी 1.5 kg का है, जो कि पोमरेनियन के हिसाब से बहुत अच्छा बॉडी वेट माना जाता है। तो इस पपी को इन दोनों में से कोई भी मेडिसिन 1.5 ml दिया जाएगा, क्योंकि ये 1.5 kg का है। तो ठीक उसी अनुपात में अगर आपके पास कैट है या किटन है तो हम उनका भी बॉडी वेट आपको करके दिखाते हैं। 4.25 g मेरा बॉडी वेट था, और जब हम इस बिल्ले को लेकर के खड़े होंगे तो नीचे दिखाइएगा, ये आ जाता है 67.75, यानी कि लगभग 3.5 kg का ये बिल्ला है। तो जब हमको इसको डिवॉर्मिंग करनी होगी तो 3.5 ml हम डिवॉर्मिंग करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा एकदम क्यूट सा मेल बिल्ला हमारे पास है, हिज नेम इज मैक्स। तो इसकी डिवॉर्मिंग ऐसे की जाती है। तो ये तरीके होते हैं किसी भी तरह के डॉग को, किसी भी तरह के कैट को डिवॉर्मिंग करने के, और प्रॉपर बेसिकली सही तरीका यही होता है कि आप उनका बॉडी वेट करें, एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल बॉडी वेट हम उतने ही ml दवा उनको देंगे, 6 kg को 6 ml, 2 kg को 2 ml, और अगर 2.5 kg है तो हम 2.5 ml ही दवा देंगे। 2.5 kg के किसी भी डॉग को 2.5 ml ही हम डिवॉर्मिंग की मेडिसिन देंगे। तो हम आपको बताएंगे कि दुष्परिणाम क्या होते हैं सही टाइम पे डिवॉर्मिंग न करने के। ये देखिए एक पग का बच्चा है, ये 10-11 महीने का पपी है, और ये बहुत ही ज्यादा बेचारा परेशान है इस समय, इसको इन्फेक्शन हो गया है। और कहीं ना कहीं डिवॉर्मिंग टाइम से नहीं होना एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है इसकी जिंदगी में। अब ये बच्चा बिल्कुल ही डर्मेटाइटिस नाम की एक बीमारी से परेशान है, जूझ रहा है, और इसका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। इसको इंजेक्शन लग रहे हैं, रोज स्प्रे किया जाता है इसके घाव पे, और पूरे बाल इसके निकल गए हैं गर्दन के नीचे। अगर कैमरा भाई साहब जूम करके दिखाएंगे तो नहीं बेटा 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 सेट सेट सेट, इतना घाव लगा है फिर भी बदमाशी से बाज नहीं आएंगे आप। गुड गुड, पूरे सड़ने जैसा हो गया। अगर आप नीचे इनके देखेंगे तो काफी बुरी स्थिति है। इसको इसके ओनर ने छोड़ दिया था, यानी कि ये अबेंडेंट डॉग है, इसको किसी ने छोड़ दिया है, और हम पकड़ के इसकी सेवा कर रहे हैं, और अब तो ये हमारे फैमिली का मेंबर है, अब ये यहीं पे रहते हैं घूम। नहीं नहीं कुछ ही नहीं करते, कुछ ही नहीं। इसको इतनी ईचिंग हो रही है कि बेचारा खुजा के अपना खून निकाल दिया है। तो आपके डॉग नहीं खुजली नहीं। तो देखा आपने डिवॉर्मिंग सही टाइम पे नहीं होने के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो हम इसीलिए हमेशा आप सबको पूरी कोशिश करते हैं कि एक एक चीज आपको बताते रहें, एक एक चीज आपको सिखाते रहें, समझाते रहें, ताकि आपके पेट्स या हमारे पेट्स या कोई भी जीव, मेरे लिए तो जीव जीव है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, बकरी हो, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, कोई पक्षी हो, तो हमेशा अपने हृदय की गहराइयों से किसी भी चीज को सोचे, समझे, हृदय की गहराई से किसी भी काम को करें, ईमानदारी के साथ रहें, अपने परिवार में ईमानदार रहें, अपने रिश्तों में ईमानदार रहें, अपने दोस्ती में ईमानदार रहें। और अगर आपके पास कोई पपी है तो आप उस पपी के साथ, उस डॉग के साथ ईमानदार रहें और बहुत प्यार करें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने को वर्कर्स के साथ बड़े ईमानदार रहें, अपने एम्प्लॉयज के साथ बड़े ईमानदार रहें अगर आप बॉस हैं, और अगर आपका कोई बॉस है तो उस बॉस के साथ ईमानदार रहें। तो जीवन में ईमानदारी, मेरा ये निजी तजुर्बा है कि आपको हमेशा इतना आगे लेकर के जाएगी, इतना आगे लेकर के जाएगी, और कड़ी मेहनत और ईमानदारी, मुझे नहीं लगता कि ये दो गुण अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में है
तो हो सकता है वो आज बहुत सफल ना हो, हो सकता है वो पिछले 2 साल से बड़ी मेहनत ईमानदारी से कर रहा हो, वो सफल ना हो, हो सकता है वो 4 साल से किसी दिशा में बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है ईमानदारी से और वो सफल ना हो, बट अंततः वो सफल होगा, ये निश्चित रूप से मेरी जांची परखी और सोची समझी हुई बातें हैं। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी दोस्तों, बट फिर भी इस छोटी सी उम्र में जो चीज़ें सीख पाया हूँ, जो चीज़ें समझ पाया हूँ, वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। बातें तो बहुत सारी हैं, बताना बहुत कुछ है, शेयर भी बहुत कुछ करने का दिल करता है, बट वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप भी शायद बोर हो रहे होंगे। और वीडियो में जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितना मजा आया या नहीं आया, या आप जान पाए बहुत सारी चीजें या नहीं जान पाए। और जैसा कि मैंने बताया कि डिवॉर्मिंग की दवाएं देने से हुक वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, वाइप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, ये चारों तरीके के कीड़े जो होते हैं पेट के अंदर के कीड़े, भीतर के कीड़े, वो मर जाते हैं, पेट से सही हो जाते हैं। और कई बार आप लोगों को लगता होगा कि मेरा डॉग यार दिन में इतना खाता है, फिर भी दुबला है, फिर भी पतला है, तो उसकी वजह यही होती है कि अगर आपका कोई डॉग 100 ग्राम अगर ये डॉग फूड खा रहा है या 100 ग्राम कोई खाना खा रहा है, तो पेट के अंदर जो कीड़े हैं 90 ग्राम खा जाते हैं और 10 ग्राम ही आपके डॉग के शरीर को लगता है 90 ग्राम कीड़े खा चुके होते हैं, बट ऊपर की आंखें हमारी ये देख रही होती है कि हम 100 ग्राम खाना दे रहे हैं और हमें फायदा नहीं हो रहा। तो ये बहुमूल्य और बेशकीमती जानकारी थी किसी भी पेट लवर, पेट ओनर के लिए या हॉबीस्ट के लिए, जो भी लोग पेट हॉबी में आना चाह रहे हैं, जो भी लोग ग्रूमिंग सीखना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, हमें वॉलेंटियर्स की आवश्यकता है। आइए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाएंगे और आपके अंदर एक हुनर का जन्म होगा और हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। बट आई हैव माई गोल्डन टीम, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे सुनहरे अनमोल सितारे हैं, मैंने कभी नाम नहीं लिया, बट आज मैं उन सब लोगों के नाम जरूर लेना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये पूरा कारवां शुरू हुआ और आगे भी हम बढ़ रहे हैं। 2-3 लोग हमारे यहाँ बहुत खास हैं, और शुभम है, आकाश है, अनन्या मैम है, ज्ञानवी है, और जिनका खासा रोल रहता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में, और बड़ी मेहनत से ये लोग अपना काम करते हैं। एंड वी हैव सम पैरावेट्स, वी हैव सम जूनियर डॉक्टर्स, वी हैव सम इंटर्न्स ओवर देयर, और ट्रेनर्स हैं। तो आपको अलग अलग अगर कुछ भी चीज़ें जाननी सीखनी है, सो वी चार्ज 200 रुपीज फॉर आर प्रीशियस टाइम। अगर आप चाहेंगे कि आपका फ़ोन आए और आपके 10 सवाल हैं और फ्री में कोई यहाँ बताए, तो मेरे पास, मेरे भाई, कोई भी फ्री में काम नहीं करता, मुझे सबको सैलरी देनी होती है और सब सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उनकी 100, 200, 500 रुपए फीस देते हैं, तब वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो उस फीस में दवाएं नहीं देते, दवाओं का पैसा आपको अलग से देना होता है। तो उसी तरीके से इफ यू नीड आर गाइडेंस, इफ यू नीड आर कंसल्टेंसी, देन यू विल ऑल हैव टू पे फॉर दैट। 200 रुपए 1 वीक की कंसल्टेंसी का चार्ज है, 500 रुपीज 28 डेज की कंसल्टेंसी का चार्ज है। उसी के अनुपात में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक की कंसल्टेंसी है, आप हमारे टेलीकॉलर से कंसल्ट कर सकते हैं। दे विल गाइड यू प्रॉपरली, दे विल ट्रेन यू प्रॉपरली, एंड वोकल फॉर द लोकल, मोदी जी के लोगों से हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। तो बहुत सारे लोग किसी विदेशी कंपनियों के कंसल्टेंसी ले रहे हैं, जैसे डॉक्स ऐप है, तो उस पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो और वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, राइट? तो हम लोग लोकल हैं और हम लोग आपके करीब हैं, और हम लोग के पास प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन भी है, और हमारे साथ जो टीम है वो प्रैक्टिकल भी कर रही है, थ्योरेटिकल भी पढ़ रही है, मुझे भी देख रही है, हमारे डॉक्टर्स के संपर्क में भी रह रही है, तो उनके पास शायद किसी XYZ फला 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 व्यक्ति से थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव है, एंड आई 100% श्योर अबाउट इट, दे विल गाइड यू प्रॉपरली एंड दे विल सेटिस्फाइड यू। अगर आपके फीस देने के बाद हमारी टीम में से कोई भी मेंबर आपको संतुष्ट करने में सक्षम नहीं रहता, सेटिस्फाइड करने में केपेबल नहीं है, तो मैं खुद कह रहा हूं कि आपकी फीस पूर्णतया रिटर्न कर दी जाएगी, आपसे कोई भी XYZ का पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, हमने डिवॉर्मिंग की बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें बताई, सो वॉच आउट माई नेक्स्ट वीडियो।